वन सेकेंड, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ऑन इंजीनियरिंग ट्रॉली। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट इन जावा JDBC। तो उसके ऊपर हम एक प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसके अभी तक प्रीवियस वाली वीडियो रेफर नहीं किए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है। तो अगर आपने वो वीडियो रेफर नहीं किया तो रेफर टू दैट वीडियो फर्स्ट। सो प्रिपेयर स्टेटमेंट इन JDBC, तो प्रिपेयर स्टेटमेंट का मेन इंटेंशन होता है कि हम प्रिपेयर स्टेटमेंट की मदद से एक स्टेटमेंट लिख के उसको बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, राइट। सो मेन इंटेंशन प्रिपेयर स्टेटमेंट का यही होता है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक MySQL डेटाबेस बनाया है, यहाँ पे एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस है और उसमें मैंने एक टेबल क्रिएट किया है SALLARY, ये टेबल का नाम है। और उस टेबल के नाम में यहाँ पे दो कॉलम तैयार किए मैंने, जो कि है सैलरी फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम है नेम, राइट। और इसमें ऑलरेडी मैंने 9 डेटा इंसर्ट किया है, तो कि सैलरी 1000 और नेम योगेश, बाद में ऐसे ही करके 9 डेटा मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है 9000। और यहाँ पे सेकेंड कॉलम में उनके नाम है एम्प्लॉयज के। तो अभी हमें क्या करने का है, प्रिपेयर स्टेटमेंट की मदद से हमें क्या करने का है कि हमें उस एम्प्लॉय के डेटा चाहिए जो कि उनकी सैलरी है 3000 और 7000 के बीच में लाई करती है, राइट। तो हमें उस एम्प्लॉय के डेटा को रिट्राइव करने का है जिनका सैलरी मंथली जो कि 3000 और 7000 के बीच में लाई करता हो। तो वो स्टेटमेंट, वो हम टास्क हम प्रिपेयर स्टेटमेंट की मदद से इजीली कर सकते हैं। तो हम हमारे प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे JDBC के प्रोग्राम में हमें टोटल 7 स्टेप एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तो हम किसी भी JDBC के प्रोग्राम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे JDBC के प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हमें ये लाइब्रेरी सेक्शन में जाके एड लाइब्रेरीज में MySQL JDBC ड्राइवर यहाँ पे लोड करना पड़ता है। ये ड्राइवर MySQL JDBC ड्राइवर, तो NetBeans ये आपको प्रोवाइड करता है, और Eclipse अगर आप यूज करते हैं Eclipse ID तो आपको वो डाउनलोड करके ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऐड किया है यहाँ पे MySQL JDBC ड्राइवर। तो यहाँ पे अभी स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोग्राम। तो अभी यहाँ पे 7 स्टेप एग्जीक्यूट करेगी JDBC के, जिसमें कि फर्स्ट स्टेप होता है इम्पोर्टिंग SQL ड्राइवर। तो यहाँ पे मैंने ये SQL का पैकेज इंपोर्ट किया है, सबसे पहले इंपोर्ट java.sql पैकेज, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पे कमेंट में लिखता हूँ यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप है इंपोर्टिंग MySQL पैकेज। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप क्या होगा, अभी ये सेकेंड स्टेप होगा, यहाँ पे हमें ड्राइवर लोड करना पड़ता है MySQL JDBC ड्राइवर। तो वो होगा क्लास डॉट फॉरनेम, ये मेथड है ये क्लास का, और इसमें हम पास करेंगे com.mysql.jdbc ड्राइवर। तो MySQL अगर आप डेटाबेस यूज करते हो तो आपके लिए ये क्वेरी होगा com.mysql.jdbc.driver, राइट। तो ये सब जो कोड होगा वो हम ट्राई कैच ब्लॉक में लिखेंगे, क्योंकि ये JDBC का प्रोग्राम है, मोस्टली एरर्स आते हैं, तो वो ट्राई कैच ब्लॉक में ही हम लिखेंगे प्रेफरेबली। तो यहाँ पे अगर हमारा सिस्टम ये एरर थ्रो करता है तो हमको हमें कंसोल पे ये दिखेगा system.out.println एरर ऑकर्ड, और जो भी एरर होगा वो यहाँ पे होगा, राइट। तो ये हमने कैच ब्लॉक में ये कोड लिखा है। तो ट्राई ब्लॉक में हमने क्या लिखा है, क्लास डॉट फॉरनेम मेथड, और उसमें हमने एक क्वेरी पास किया com.mysql.jdbc.driver, राइट। तो थर्ड स्टेप होगा, ये हमें कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ता है जावा प्रोग्राम का और ये डेटाबेस का। तो उसके लिए ये मेथड है गेट कनेक्शन मेथड है, और वो ड्राइवर मैनेजर ये क्लास का है, राइट। और ये कनेक्शन इंटरफेस का हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है कॉन। तो अब ये गेट कनेक्शन में हमें ये स्ट्रिंग पास करना पड़ता है, और यहाँ पे टोटल 3 पैरामीटर होते हैं, ये स्ट्रिंग URL हमारे डेटाबेस का, बाद में सेकेंड पैरामीटर होता है यूजर नेम, और थर्ड पैरामीटर होता है पासवर्ड। तो मैंने यूजर नेम और पासवर्ड मेरा डेटाबेस का रूट सेट किया है, तो यहाँ पे रूट लिखा है, और यहाँ पे एक क्वेरी क्या है, JDBC:MySQL:\local_host/, अभी यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखेगी, डेटाबेस का नाम, जो भी हमारा डेटाबेस का नाम सेट किया होगा वो यहाँ पे लिखेगी। तो मैंने अपने डेटाबेस का नाम यहाँ पे एम्प्लॉय सेट किया था, यहाँ पे एम्प्लॉय सेट किया था, तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय लिखा है यहाँ पे, राइट। तो अभी यहाँ पे ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप, यहाँ पे कमेंट में लिखता हूँ ये हमारा थर्ड स्टेप, राइट। तो अभी फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, फोर्थ स्टेप है हमारा क्रिएटिंग द स्टेटमेंट।
तो स्टेटमेंट का हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज करूंगा। प्रिपेयर स्टेटमेंट की मदद से हम यहाँ पे स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट का स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये प्रिपेयर स्टेटमेंट का इंटरफेस, उसका ये ऑब्जेक्ट, और इसका ऑब्जेक्ट इनडायरेक्टली हम बनाएंगे, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये कनेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, ये मेथड है, राइट। और ये मेथड के अंदर हम डबल कोट्स में लिखेंगे, जो भी क्वेरी हमें एक बार लिखना है और वो मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, वो क्वेरी हम ये डबल कोट्स में लिखेंगे। तो अभी हमें क्या करने का है, वो पर्टिकुलर रेंज के डेटा को हमने हमें रिट्राइव करने का है। तो हमने यहाँ पे रेंज सेट किया है 1000 to 5000, राइट। तो सैलरी जिनकी 1000 और 5000 के बीच में होगी, उनके डेटा हमें कंसोल पे दिखाई देगी। तो उसके लिए क्या करने का है, हमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटाबेस टेबल, ये क्वेरी हमें यूज करने का है। तो उसका सिंटेक्स है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, तो टेबल का नाम हमारा था सैलरी डबल एल ए आर वाई, वेयर, वेयर क्लॉज यूज करना पड़ेगा, वेयर सैलरी का रेंज प्रोवाइड करेंगे हम, और यहाँ पे सैलरी इज ग्रेटर देन क्वेश्चन मार्क एंड सैलरी इज लेस देन क्वेश्चन मार्क, ये हमने रेंज सेट किया है। अब ये क्वेश्चन मार्क क्या है, तो क्वेश्चन मार्क डिनोट करता है प्लेस होल्डर। तो हमें जो भी यहाँ पे वैल्यू सेट करना पड़ेगा, वो हम यहाँ पे एक मेथड है सेट इंट, यहाँ पे ये प्रिपेयर स्टेटमेंट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट है, वो डॉट सेट इंट, ये मेथड के यूज मदद से हम यहाँ पे ये वैल्यू सेट करेंगे ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो हमें क्या करने का है, यहाँ पे दो क्वेश्चन मार्क्स है, ये फर्स्ट क्वेश्चन मार्क है और ये सेकेंड क्वेश्चन मार्क है। तो हम यहाँ पे वैल्यू सेट करेंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट डॉट सेट इंट, और यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन मार्क होगा यहाँ पे उसकी जगह पे ये वैल्यू जाएगा 1000, राइट। तो ग्रेटर देन 1000 होना चाहिए, राइट, हमारा सैलरी एम्प्लॉय का। और यहाँ पे लेस देन क्वेश्चन मार्क है, तो ये सेकेंड क्वेश्चन मार्क की जगह पे ये 5000 जाएगा। तो ग्रेटर देन 1000 होना चाहिए सैलरी और लेस देन 5000 होना चाहिए। और ये 1 and 2 क्या डिनोट करता है, ये प्लेस होल्डर को डिनोट करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस होल्डर क्या है, यहाँ पे हमारा ये यहाँ पे लिखे गए, और यहाँ पे सेकेंड प्लेस होल्डर की जगह पे ये 5000 का वैल्यू जाएगा, राइट। तो ये मेथड हम लिखेंगे। अब ये मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें रिजल्ट सेट का यहाँ पे एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा, जिसमें जिससे कि हम वो टेबल होगा वो रिट्राइव कर सके। क्योंकि हमें पता है MySQL डेटाबेस में, कभी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो भी हमें आउटपुट मिलता है वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल होता है। तो वो टेबल को रिट्राइव करने के लिए हम ये रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट की मदद लेंगे। तो हमने लिखा है यहाँ पे स्टेटमेंट रिजल्ट सेट, रिजल्ट सेट का इंटरफेस, उसका ऑब्जेक्ट RS इक्वल टू ये स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट PST डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, राइट। तो अगर हमें सिलेक्ट क्वेरी हमने यूज किया है यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एग्जीक्यूट क्वेरी ये मेथड, राइट। तो अभी क्या करने का है आपको, ये वाई लूप चलाने का है। अब ये वाई लूप क्या है वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो वाई लूप में हमने लिखा है RS.next मेथड। तो अब ये क्या हम देखते हैं, तो कभी भी जब जो डेटा हमें मिलता है उसके लिए सबसे पहले ये पॉइंटर होता है वो यहाँ पे पॉइंट करता है। तो उसको यहाँ पे फर्स्ट रो पे लाने के लिए आपको RS.next की मदद से वो करना पड़ता है कभी भी, क्योंकि डिफॉल्ट वो पॉइंटर होता है, ये पॉइंटर वो यहाँ पे पॉइंट करता है सैलरी नेम ये रो को। तो उसको हमें ये रो पे लेके आने के लिए ये पॉइंटर का यूज करते हैं, मेथड का यूज करते हैं RS.next। तो ये मेथड की मदद से हम जो पॉइंटर है वो नेक्स्ट रो पे ला सकते हैं, राइट। तो ये वाई लूप चलेगा RS.next, और उसमें हम लिखेंगे system.out.println, ये प्रिंट करेंगे RS.getInt, और यहाँ पे ये वैल्यू दिए हमने 1। तो 1 क्या डिनोट करता है, कॉलम नंबर। तो जो भी ये कॉलम है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम का जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ पे हमें मिलेगा RS.getInt। और यहाँ पे गेट इंट क्यों लिखा है, क्योंकि जो भी हमारा सैलरी है यहाँ पे, जो भी सैलरी है वो इंटीजर नंबर है। तो सैलरी को गेट करने के लिए हमें गेट इंट मेथड का यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे सेकेंड जो कॉलम है वो स्ट्रिंग है, सब यहाँ पे स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को रिट्राइव करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे RS.getString, और यहाँ पे 2 डिनोट करता है वो सेकेंड कॉलम में, यहाँ पे ये सेकेंड कॉलम का डेटा है तो यहाँ पे वो डिनोट करता है, राइट।
ये यहाँ तक हो गया। अभी ये rs.next, ये मेथड चलते जाएगा ये लूप जब तक यहाँ पे रो खत्म नहीं होते, राइट। तो हमने रेंज प्रोवाइड किया था यहाँ पे 1000 और 5000, तो जब तक ये पूरे रोज कंप्लीट नहीं होते, उनका डेटा हमें मिलता नहीं है, तब तक ये नेक्स्ट पॉइंटर यहाँ पे चलते जाएगा rs.next, राइट। तो अभी ये डेटा मिलने के बाद हमें क्या करने का है, जो भी हमने ये कनेक्शन एस्टेब्लिश किया था उसको हम क्लोज करेंगे। तो ये स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट को हम क्लोज करेंगे, pst.close और con.close, राइट। कनेक्शन को हम क्लोज करेंगे, ये नेसेसरी नहीं है, राइट। तो अगर आपके ऊपर डिपेंड है, आपको करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो नेसेसरी नहीं है। तो अब ये प्रोग्राम को हम रन करेंगे और देखते हैं इसका आउटपुट क्या मिलता है हमें, राइट। तो यहाँ पे प्रिपेयर स्टेटमेंट डॉट जावा, इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रन फाइल का ऑप्शन है, इसको फाइल को रन करेंगे। प्रिपेयर स्टेटमेंट डॉट जावा और राइट क्लिक करके रन फाइल, तो यहाँ पे रन हो रहा है जावा ओपी रन। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट मिल गया है यहाँ पे। तो आउटपुट क्या देखते हैं, यहाँ पे हमने रेंज प्रोवाइड किया था, सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 1000 एंड लेस देन 5000। तो यहाँ पे 2000, 3000, 4000, ये तीन डेटा हमें मिला है, जो कि ये 1000 से ग्रेटर है इनका सैलरी, और इनका सैलरी लेस देन 5000, राइट। तो आपने देखा आप कैसे प्रिपेयर स्टेटमेंट की मदद से हम ये टास्क इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट का यही मेन इंटेंशन होता है कि हम एक ही बार ये क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्वेरी और वॉट एवर इंसर्शन क्वेरी और अपडेशन क्वेरी, और इसको हम मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे चला सकते हैं, राइट। तो ये हम प्रिपेयर स्टेटमेंट की मदद से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू।